हैप्पी डे बच्चों, सैन एकेडमी पल्लीकरनई में आपका हार्दिक स्वागत। यह कक्षा आठवीं द्वितीय भाषा हिंदी के अंतर्गत हम लोग आज व्याकरण लतिका में उपसर्ग प्रत्यय पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले आप छठवीं और सातवीं कक्षा में उपसर्ग के बारे में आपने सुना होगा, प्रत्यय के बारे में भी पढ़ा होगा। उपसर्ग का मतलब प्रफिक्स, प्रत्यय का मतलब सफिक्स है। ये रचना की दृष्टि से शब्दों को दो वर्गों में बांटा जाता है, मूल शब्द और व्युत्पन्न शब्द। ऐसे ये जो उपसर्ग प्रत्यय हम पढ़ने जा रहे हैं, उपसर्ग मतलब प्रत्यय है। वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं और उसके अर्थ में विशेषता या बदलाव लाते हैं, उसे ही हम उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्गों द्वारा, प्रत्ययों द्वारा, समास के द्वारा ही शब्द का निर्माण किया जाता है। शब्द नहीं, शब्दांश है। शब्द के प्रारंभ में युक्त ये अर्थ युक्त ही उपसर्ग कहलाता है। इसीलिए उपसर्ग के बारे में जानना जरूरी है। शब्द के अर्थ में विशेषता या परिवर्तन निश्चित रूप से लाता है। ये उपसर्ग स्वतंत्र प्रयोग संभव नहीं है और शब्द के अर्थ में भी विशेषता या परिवर्तन लाता है। जब शब्द के अर्थ में विशेषता और परिवर्तन लाता है, शब्द के साथ में पहले ये उपसर्ग जुड़ता है, तब इसमें परिवर्तन और विशेषता लाते हैं। किसी निश्चित अर्थ के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द जिनके खंड कर देने पर वह अपना अर्थ खोकर वर्ण मात्र रह जाते हैं, मूल शब्द वही कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं, दूध, गर, पानी, ये शब्द जो हैं ये भी आपके जो हैं उदाहरण के लिए देख सकते हैं। अब आइए उपसर्ग के भेद भी हम जानते हैं। सबसे पहले शब्द को आप लोगों ने पढ़ा होगा, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशी शब्द, विदेशी शब्द आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये उपसर्ग के तीन भेद यहाँ पर बताए गए हैं। तत्सम का मतलब जो है दूसरे संस्कृत के शब्दों को एसिटी सिंधी में प्रयोग करना, तत्सम शब्द है। तद्भव शब्द का मतलब उसको बदल करके प्रयोग करना, तद्भव शब्द है। विदेशी, अन्य देश की भाषाओं को प्रयोग करना, ये विदेशी शब्द है। याद रहे इसमें मुख्य रूप से जो है सभी शब्दांश जो है उपसर्ग नहीं होते हैं। मूल शब्द एवं उपसर्ग की भाषा समान है। एकाधिक उपसर्गों का प्रयोग कर सकते हैं। संधि युक्त और संधि मुक्त शब्द भी होते हैं। ऐसे शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, वह प्रत्यय कहलाता है। प्रत्यय का भेद भी अभी हम जानने जा रहे हैं। क्रिया प्रत्यय नवीन शब्द है, जैसे कि हस प्लस ही हसी, लिख प्लस आवट लिखावट, भूल प्लस अक्खड़ बुलक्खड़, खा प्लस आना खाना। प्रत्यय धातु रूप की पहचान है। क्रिया तू के साथ धातु है। पढ़ना तू पढ़ और पढ़, लिखना तू लिख।
प्रत्यय में कृत प्रत्यय के भेद अभी हम देखने जा रहे हैं। कर्तृवाचक कृत प्रत्यय, कर्मवाच्य कृत प्रत्यय, करणवाचक कृत प्रत्यय, भाववाचक कृत प्रत्यय, क्रियावाचक कृत प्रत्यय। इस प्रकार ये प्रत्यय के भेद हैं। कला प्लस संज्ञा प्लस कार ये प्रत्यय हैं, इसको मिलाने पर कलाकार बनता है। मेटा विशेषण है प्लस आस प्रत्यय है, मिटास बनता है। अपना सर्वनाम है प्लस पन प्रत्यय है, अपनापन। बाहर अव्यय शब्द है प्लस यी प्रत्यय जोड़ने पर बाहरी बनता है। इस प्रकार हमने प्रत्यय के भेद जाना। आगे कर्तृवाचक के बारे में हमें जानना जरूरी है। वे तद्धित प्रत्यय जिनके प्रयोग से किसी कार्य के करने वाले का बोध होता है, जैसे जादूगर, भिखारी, रसोईया आदि जो है ये कर्तृवाचक है। दो प्रत्ययों का एक साथ प्रयोग, जैसे राष्ट्र प्लस ईय प्लस था राष्ट्रीय था, ये भी हमें जानना जरूरी है। दो प्रत्ययों के साथ में एक साथ प्रयोग कैसे की जाती है ये भी आप लोग देख सकते हैं। ईमान प्लस दार प्लस ई ईमानदारी, समाज प्लस इक प्लस था सामाजिकता। इस प्रकार से जो है दो प्रत्ययों में एक साथ कैसे प्रयोग किया जाता है ये भी हमने देखा है। अब आइए उपसर्ग और प्रत्यय का एक साथ प्रयोग कैसे किया जाता है ये भी हम जान लेते हैं। बड़े अजीब सी बात है, उपसर्ग और प्रत्यय को एक साथ प्रयोग किया जाता है। उपसर्ग मूल शब्द है, प्रत्यय यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा नवीन शब्द के रूप में, इसलिए आइए अति यहाँ पर उपसर्ग है, आचार मूल शब्द है, प्रत्यय ई है इसलिए अत्याचारी है। बे प्लस ईमान प्लस ई बेईमानी, अभी प्लस मान प्लस ई अभिमानी। इस प्रकार बच्चों उपसर्ग, उपसर्ग का मतलब जो है हमने देखा है मूल शब्द से नए नए शब्द बनाने की जो प्रक्रिया को शब्द रचना या शब्द निर्माण की प्रक्रिया को कहते हैं। तो इस प्रकार से उपसर्ग और प्रत्यय का रूप हमने जाना है। प्रत्यय का मतलब मूल शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द बनाने वाले शब्दांश को ही हम प्रत्यय कहते हैं। तो इस प्रकार से उपसर्ग और प्रत्यय को हमने पढ़ लिया। इसको पढ़ने से हमारा शब्द भंडार भी बढ़ता है, शब्द के बारे में हमें पूर्ण ज्ञान भी मिलता है। अतः बच्चों ये उपसर्ग प्रत्यय को आप अच्छे से जानिए और उसको पहचानिए, एग्जाम में अच्छे अंक लाइए। ऐसी मंगल भावना के साथ मैं विराम लेता हूँ। धन्यवाद।